कोरोना वायरस से तो लोग परेशान हैं ही, ऐसे में चोरी की वारदातें भी थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसा ही मामला आगरा के ताजगंज में देखने को मिला, जहां चोरों ने मकान मालिक और किराएदार को अपना शिकार बनाया। जब मकान मालिक और किराएदार घर में सो रहे थे, तभी चोरों ने धावा बोल दिया और चोर नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए। सुबह उठ के देखा तो चारों तरफ की कबाड़ खुल रही थी सर। क्या क्या ले गए चोर? चोर में नकदी ले गए, मम्मी की अंगूठी वगैरह सब ले गए, मेरी जंजीर अंगूठी थी, शादी में मिली थी घड़ी वगैरह सब ले गए। सब ले गए और मेरे जो भाड़े के पैसे थे उसके तो वो भी ले गए। तो कुछ सुना दिया क्या चोरों ने? पता नहीं सर। क्या लगता हूँ, क्या लगता है आपको? आँख ही नहीं खुली। उठ जाते थे आप? हाँ, 4:45 बजे वैसे जग जाता हूँ मैं। अच्छा जी, कुछ सुना दिया? पता नहीं, मेरे सामने वाली जो पड़ोसी है उनकी लड़की है, उन्होंने आवाज दी चचाई को, मोबाइल बज गया, टूटी तो नहीं है तो मुझे सुना ही नहीं पड़ा। हम गए थे फूप, प्रॉपर फूप, भिंड जिला काय के लिए। अब मेरे पापा की तबीयत सीरियस ज़्यादा, एकदम बोल बंद हो गया था इस वजह से। फिर एकदम एक फोन आओ, जिन से फोन करो एगो कि चोरी हुई गई, कल तो गए ही 11 बजे। अच्छा, क्या क्या लेगा चोर आपके? बस पर्स भी नहीं ले गए, पर्स में से पैसे ही ले गए 30,000 रुपये। अच्छा, पैसे निकाल के लाए थे आप? पैसे निकाल के जोड़ के रखे थे, अभी नौकरी के लाए थे, लॉकडाउन होएगा तो इन्हें कि चलो धंधो कर लेंगे, फल को ठेल लगा लेंगे, निकाल के ले आए बैंक में उसे। अच्छा, सब ले गए? सब ले गए।